नमस्कार, मैं हूं इंदु कुमारी, आप हैं हमारे साथ जीके न्यूज झारखंड में। नजर डालते हैं आज के मुख्य खबर पर। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर घाटशिला के घाघराडी धीवर टोला में विशु धीवर की अध्यक्षता में दर्जनों वृक्षों का रोपण किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए सभी को पेड़ लगाने की आवश्यकता है। इस मौके पर संजय बेहरा, मले सरकार, मुकेश करकार, सुखलाल हांसदा, मोहन मुर्मू, परिमल किस्कू, तपन भगत, देवेंद्र धीवर, रानी धीवर, गंगा धीवर, इंद्रजीत धीवर समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कल विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर विशु धीवर के अध्यक्षता में एक बैठक किया गया घाघराडी का हुआ। उसमें बात यह है कि आज पर्यावरण का स्थिति जो सारे विश्व में जो है, जो जलवायु नियंत्रण नहीं हो पा रहा, पर्यावरण के चलते जो है गर्मी का दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंडा का दिन में बहुत ठंडा, इस तरह का माहौल पैदा हो रहा, और पॉल्यूशन जो है हर क्षेत्र में, चाहे पानी का हो, वायु का हो, इस तरह का जो पॉल्यूशन जो डेवलप किया जा रहा है, इससे आदमी का, जानवर का, पेड़ पौधे का भी ऊपर इसका एक्शन होता है। ऐसा स्थिति में तरह तरह के सभा हो रहा है, पौधा लगाया जा रहा है, सरकारी व्यवस्था भी किया जा रहा है, लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल का नाम से जो है देखा जा रहा है कि खाली पैसा का खर्चा ही हो रहा है, लेकिन पॉल्यूशन पर कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा, जिसके चलते जो है जंगल का जंगल काट के जब सफा कर दे रहा है, झाड़ी जंगल हट जा रहा है, नदी का पानी सूख रहा है, इस तरह का माहौल पैदा होने से जनजीवन पर जो इसका असर पड़ेगा, इस असर का लेके चिंता तो सब कर रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से जो है जो कारगर कदम सरकार को ही उठाने पड़ेगा, ये कोई व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, लेकिन सरकार इस पर जो है खाली एडवर्टाइज करके ही जो है इसका खाना पूरी कर रहा है। ऐसा स्थिति में लोगों का बीच में हम लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस तरह का सभा समिति के जरिए से जो है जनता का बीच में हम लोग जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे, ताकि यह प्रदूषण पर जो है उचित कार्रवाई करने के लिए SDO BDO का समक्ष और धरना प्रदर्शन का भी प्रोग्राम आगे लिया जाएगा, ताकि सरकारी स्तर से जो है जो कार्य करना चाहिए उसको ठीक से किया जाए, और पॉल्यूशन पर कंट्रोल करने का जो दिशा निर्देश है सरकारी लेवल से, यहाँ तक कि विश्व ये जो क्वाटा सम्मेलन का भी जो चार्टर है उसको पर भी अमल करने की ज़रूरत है। इसका ऊपर में हम लोग वहाँ चर्चा किए, और आने वाले दिन में और भी पर्यावरण को लेकर और भी आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ वहाँ का सभा समाप्त की गई। वहीं घाटशिला कॉलेज में भी वृक्ष का रोपण कर पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर कुणाल सिंह, रोहित दास, दीपक महतो, देवाशीष भगत, जितेंद्र मन्ना समेत कई संख्या में लोग उपस्थित थे। पोटका के जूड़ी में हाइवा के द्वारा हाइड्रोलिक डंपर को उठाने के दौरान सड़क के ऊपर से पार हुए 11,000 वोल्ट के चपेट में आने से हाइवा में आग लग गई। इस दौरान हाइवा के चालक बुरी तरह से झुलस गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इधर स्थानीय लोगों एवं मौके पर पहुंची पोटका पुलिस के प्रयास से हाइवा में लगी आग पर काबू पाया गया। पोटका में आगामी 14 जून से आयोजित होने वाले हरिणा मेले को लेकर आज अंचल कार्यालय में मेले की बंदोबस्ती की गई। बंदोबस्ती को लेकर अंचल कार्यालय द्वारा एक निविदा निकाली गई थी। बंदोबस्ती के तहत 5,05,000 की डाक पर
बंदोबस्ती दी गई। इस मेले में लाखों की संख्या में बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं बंगाल से कितने दिनों तक ये मेला चलेगी? मेला 3 से 5 दिन। तो प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था रहेगी? प्रशासन बोलता रहेगा, सिक्योरिटी फोर्स लगाया जाएगा, इसके बाद तुम लोगों का पेयजल वगैरह की भी? हाँ, पेयजल भी व्यवस्था करवाएगा, चापा नाम क्या खरीदा जाएगा, जितना आस पास से चापा खरीदे सबको। टैंकर वगैरह से भी सप्लाई किया जाएगी? टैंकर से व्यवस्था करवाएंगे। सेठपुर की मानगो पुलिस की तत्परता के कारण 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों के पास से 20 स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं। चोरों से पूछताछ कर बरामद की गई मोबाइल के ऑनर के पता लगाए जा रहे हैं ताकि उन्हें मोबाइल वापस कर दिया जाए। इन चोरों के असली ठिकाने साहिबगंज जिला बताए जा रहे हैं और ये जमशेदपुर के किराए के मकान में रहकर चोरी की घटना को अंजाम दिया करते हैं। पुलिस द्वारा इनके गिरोह के और भी लोगों के ठिकाने के बारे में पूछताछ की जा रही है। आशंका है कि उनके गिरफ्तारी से जमशेदपुर में मोबाइल चोरी की घटनाओं में कमी आएगी। थाना प्रभारी और उनकी टीम ने 2 इम्पोर्टेंट चोर को पकड़ा है। इसमें ये दोनों साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन लोगों के पास से 20 स्मार्टफोन हम लोगों ने बरामद किए हैं। ये चोर का गिरोह पिछले करीब 15-20 दिनों से मानगो थाना क्षेत्र में इंदिरा कॉलोनी में एक किराए के रूम में रह रहा था और वहाँ पर रहते हुए ये लोग आसपास के थाना क्षेत्र मानगो, ओलीडी और ग्रामीण थाना क्षेत्र में पटमदा, गालूडी इत्यादि में जा कर के और मोबाइल चोरी का काम करते थे। ये हाट बाजार और मार्केट, सब्जी मार्केट इत्यादि में कोई व्यक्ति जब खरीदारी कर रहा है तो चुपचाप उसकी पॉकेट से मोबाइल निकालने का काम ये दोनों खुद भी किया करते थे और कम उम्र के बच्चों से भी ये काम कराते थे। 2 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है और 20 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। ये सारे मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन हैं और महंगे फ़ोन हैं और इससे बहुत सारे जो कांड हैं हम लोगों के मोबाइल चोरी के या मोबाइल स्नैचिंग के, वो कांड डिटेक्ट हुए हैं। इनमें से 1-2 मोबाइल के जो ओनर हैं उनकी पहचान भी हो गई है। बाकी मोबाइल के ओनर की पहचान हम लोग टेक्निकल टीम के माध्यम से कर रहे हैं, इसके IMEI के माध्यम से और सिम के माध्यम से, और उनको जल्दी ही हम लोग ये मोबाइल फ़ोन वापस करेंगे। तो एक अच्छा मैसेज जाएगा लोगों का जिनका मोबाइल चोरी होता है और जो लोग हैं बड़ी मुश्किल से मोबाइल खरीद पाते हैं और उनको मोबाइल पुलिस जल्दी ही वापस करेगी। कहाँ रहते थे लोग? ये लोग मानगो में इंदिरा कॉलोनी, पार्टी इंदिरा कॉलोनी में किराए के रूम में रहते थे। इन लोगों का मोटस ऑपरेंडी है, पहले भी हम लोगों ने 7-8 महीने पहले एक गिरोह को पकड़ा था जिसमें करीब 50 मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए थे। इन लोगों का ये तरीका है कि बाहर से साहिबगंज से आकर के और ये लोग रूम किराए पर लेके एक जगह में 15-20 दिन रहते हैं और शातिर तरीके से मोबाइल लोगों की जेब से निकाल लेते हैं जब वो खरीदारी इत्यादि कर रहे होते हैं। तो इन लोगों का ये तरीका है इस तरह से करने का। और इसमें ये जो मोबाइल चोरी करते हैं